हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ दाल ढोकली का रेसिपी। तो चलिए, मैं देर ना करती हूँ, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो आइए, सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये है एक टमाटर, ये है सोख की हुई दाल थोड़ी सी, और एक मीडियम साइज़ का प्याज है, अदरक ग्रेटेड, और उसके बाद लहसुन ग्रेटेड है, और एक मिर्ची, और इधर सरसों और जीरा, और एक गूंथा हुआ आटा है। तो अब हम चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस में। और यहाँ पे मैं एक चम्मच घी लूँगी कुकर में। पहले हम गैस ऑन करके कुकर बिठाएंगे, उसके बाद गर्म होने के बाद उसमें घी डालेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इस तरीके से। और उसके बाद जब घी गर्म हो जाएगा, देन हम इसमें जीरा और सरसों जो हमने निकाल के रखा था, हम उसको डालेंगे, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आप लोगों को। जीरा और सरसों जब गर्म हो जाएगा अच्छे से, तो हम उसमें ये जिंजर गार्लिक और जो मिर्ची है इसको डाल देंगे, और चला लेंगे 1-2 सेकेंड के लिए, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। देखिए, मैं चला रही हूँ यहाँ पे, और जब ये फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें प्याज डाल देंगे जो हमने पहले से काट के रखी हुई है। प्याज को भी हम लोग अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, और देन प्याज जब हम लोग का अच्छे से फ्राई हो जाएगा, थोड़ा अच्छा कलर आ जाएगा, तब हम उसमें एक टमाटर डाल देंगे, जैसे कि मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। मेरा कैमरा एक्चुअली अंदर तक कैच नहीं कर पाया, इसलिए मैं दिखा नहीं रही हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं जब टमाटर अच्छे से पक गए, तब मैं दाल डाल दे रही हूँ यहाँ पे, जो हमने सोक करके रखी हुई थी दाल। अगर आप लोग सोक करेंगे तो थोड़ा वो जल्दी बनने में आसान होता है, जल्दी बॉयल हो जाता है। पानी डाल रही हूँ मैं यहाँ पे 1 कप। चला लूँगी मैं सबको अच्छे से। उसके बाद डालेंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच हल्दी, देखिए मैं डाल रही हूँ। फिर हम डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर थोड़ी सी, 1/2 स्पून। फिर मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला, क्योंकि मुझे मैगी मसाला का जो फ्लेवर है वो बहुत पसंद है, इसलिए अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला थोड़ा सा, 1/2 स्पून। मिला लेंगे सबको अच्छे तरीके से। मिलाने के बाद देखिए, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। देन हम इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे थोड़ा देर के लिए गैस पे, और बाय द टाइम हम अपना जो रोटी है उसको बना लेंगे, शेप दे देंगे अच्छा सा। देखिए, मैं यहाँ पे बेल रही हूँ, और रोटी को कितना पतला रखना है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। देखिए, इस तरीके का हम लोग को बनाना है रोटी छोटा सा। देन हम इसको शेप देंगे, देखिए इस तरीके से आपको शेप देना है। अगर आपको ये शेप नहीं पसंद है तो आप नॉर्मल प्लेन भी बना सकते हैं, मुझे ऐसे पसंद है इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। देख लीजिए, ये मैंने बना के रख लिया है रोटी को। अब हम इसको दाल में डालेंगे। देखिए, मेरा दाल इधर बॉयल हो रहा है, तो अब ये बॉयल होते हुए दाल में हमको डालना है रोटी को। मैंने यहाँ पे देखिए एक एक करके सारा डाल दिया है यहाँ पे अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और नमक। उसके बाद हम कुकर को मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी आने तक रख देंगे गैस पे। और ये देखिए, सीटी आ गया है, और मैं इसको खोल के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा बना है हम लोग का दाल ढोकली, इसको दाल पिट्टी भी बोला जाता है। और अगर आपको दाल और थोड़ी गली हुई चाहिए तो आप और 1 सीटी लगा सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है, एंड बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। आप लोग प्लीज़ ट्राई करके बताइए कि कैसा बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।